Here we go. तो आज मैं आप लोग के लिए फिर से लाया हूं जो अपना रिक्रूटमेंट, इसमें आपको सैनिक स्कूल झुंझुन राजस्थान में आया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। आपका झुंझुन डिस्ट्रिक्ट में आपका जॉब लोकेशन होगा। आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है, आप लोग जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई होना चालू हुआ है और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। मैं लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। इसमें आपको क्या क्या पूछ दिया है और कितना क्वालिफिकेशन मांगा है सब मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन फोन करके बताता है। जी कंप्यूटर के लिए, आप साइंस के लिए, आपको इसमें आपका रेगुलर पोस्ट है, इसमें आपका एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें आपका मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए बीए में और नहीं तो बीटेक में, और कंप्यूटर साइंस आईटी भी मांगा है साथ में। इसमें आपका पर मंथ सैलरी होगा 9,300 to 34,800 आपका पर मंथ पे स्केल होगा। इसमें आपको एज लिमिट रखा है आफ्टर 21 से 35 साल तक रखा है एज लिमिट। उसके बाद आता है हम लोग नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, इसमें भी आपको रेगुलर पोस्ट मिल रहा है। इसमें आपको जनरल कैटेगरी के लिए एक है, इसमें आपको क्वालिफिकेशन नर्सिंग डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, साथ में 50% का मार्क होना चाहिए आप लोग। और इसमें आपका पे स्केल 5,200 से 20,200 तक आपका पे स्केल होगा। 18 से 50 साल तक एज का जिसका एज है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको एक सर्विसमैन आर्मी नेवी एयरफोर्स असिस्टेंट कौन सा भी में होना चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जनरल एम्प्लॉय के लिए रेगुलर पोस्ट है, इसमें आपको 3 पोस्ट मिले हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट है और एस सी के लिए 1 पोस्ट है। इसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए 10 पास, साथ में आपको वर्किंग एक्सपीरियंस भी चाहिए। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, फार्म ऑपरेटर, कारपेंटर, गार्डनिंग, हेयर कटिंग, कुकिंग, लॉन्ड्री, मशीनरी, वॉच कीपिंग, हाउस कीपिंग, सफाई वाला। इसमें आपको वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और काम किया होना चाहिए ताकि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसमें आपको 5,200 से 20,200 तक आपका पे स्केल दिया है। इसमें आपको 18 से 50 ईयर्स का कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और LDC पोस्ट के लिए इसमें आपका कॉन्ट्रेक्चुअल है, रेगुलर नहीं है। इसमें आपको 1 पोस्ट मिल रहा है जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, मेट्रिकुलेशन चाहिए और साथ में टाइपिंग स्पीड आपको 40 वाट का 25 से 30 सेकेंड में आपका मिनट में आपका किया होना, आपको स्पीड चाहिए 40 वाट 25 से 30 मिनट के अंदर तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसमें आपको 15,000 पर मंथ पे स्केल होगा। इसमें आपको एज लिमिट 18 से 50 ईयर्स तक दिया है। और वार्ड बॉय के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, इसमें आपको जनरल कैटेगरी के लिए 1 ही पोस्ट है। इसमें आपको 10 पास मांगा है और इसमें आपको 14,000 पर मंथ पे स्केल होगा। इसमें एज लिमिट 18 से 50 ईयर्स तक दिया है। जनरल एम्प्लॉय कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए 2 पोस्ट है जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें आपको 10 पास मांगा है मिनिमम और इसमें आपका एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, पम्प ऑपरेटर, कारपेंटर, गार्डनिंग, हेयर कटिंग, कुकिंग, लॉन्ड्री, मशीनरी, वॉच कीपिंग, हाउस कीपिंग, सफाई वाला। इसमें आपको एक्सपीरियंस काम किया होना चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसमें आपको 13,000 पर मंथ पे स्केल होगा। इसमें एज लिमिट 18 से 50 ईयर्स तक रखा है। आप लोग जल्दी से अप्लाई कर लीजिए, ये सब राजस्थान स्टेट के लिए है। और इसमें आपको फॉर्म 20 दिन के अंदर ही भेजना पड़ेगा। अगर 20 दिन से ज़्यादा हो गए तो आप लोग आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। तो आप लोग जिस दिन से अप्लाई होना चालू हुआ है उस दिन से ही अप्लाई कर लीजिए। और अप्लाई करने की जो वो डेट दिया है, 20 दिन टाइम दिया है, उसके पहले आपको आपका जो फॉर्म है वो पहुँचना चाहिए। आपका कॉल लेटर जो आएगा वो ईमेल आईडी के थ्रू आएगा। आपका सिलेक्शन प्रोसेस, आपका 3GT कंप्यूटर के लिए 50% मार्क्स चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट, वार्ड बॉय, LDC एंड जनरल एम्प्लॉय के लिए 40% मार्क्स चाहिए आपको रेटिंग टेस्ट में।
और इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटेन होगा, रिटेन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, इन सब आप लोग तैयार करके जाइए। सो आप लोग को आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे अगर कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए जब भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन आता है तो सीधा आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए